तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो क्या है, इंसान ऑफिस में झूठ बोल सकता है पर घर पे अपने परिवार के सामने नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट इनके घर पे चली गई। बढ़िया बढ़िया सोचा तूने बाबरी, बढ़िया। तो सेठ जी क्या बावरी जी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। हाँ क्या दे दूं? बावरी जी को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर घोषित कर दीजिए। बावरी बेटा पगार की बात कर ले, और हाँ सोच समझ कर बोलना, क्योंकि एक बार यहाँ पगार तय हो जाता है उसके बाद बढ़ता नहीं है। लेकिन मुझे पगार चाहिए ही नहीं। क्या क्यों? क्योंकि मुझे यह नौकरी करनी ही नहीं है। क्या नौकरी क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं अपने दिल के बॉस की बॉस कैसे बन सकती हूँ? क्या? हाँ मेरे दिल के बॉस यानी बागेश्वर जी, और आप मुझे मैनेजर की नौकरी दे रहे, मतलब बागेश्वर जी के बॉस की नौकरी दे रहे, और मैं अपने दिल के बॉस की बॉस नहीं बन सकती ना। एक मिनट भाई, अरे तुझे नौकरी नहीं करनी थी तो अपने सारे सर्टिफिकेट लेके सामने से नौकरी मांगने क्यों आई थी? वो क्या है, कल रात को मैंने बागेश्वर जी और नट्टू काका को परेशान देखा तो मेरे मन में उनकी मदद करने का विचार आया, और सच कहूँ तो ये काम मैंने नौकरी के लिए नहीं, मेरे प्यार के लिए किया है। So sweet. Really? प्यार के लिए लोग सात समंदर पार कर जाते, पहाड़ चीर कर नदी के लिए रास्ता बनाते, तो मैं पेमेंट नहीं ला सकती? नहीं नहीं कहना पड़ेगा बावरी, तूने ये बहुत ही मुश्किल काम कर दिखाया है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। वो क्या है, बचपन से आदत ही नहीं है, हमारी फैमिली में किसी को नौकरी करते हुए देखा ही नहीं ना, और आपको बताया था ना हमारी फैमिली में सब करोड़पति है। ठीक है नड्डू काका बागा, तभी मैनेजर के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। क्या? अरे भाई मैं तो इसका मैनेजर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है तो किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं आपको मैनेजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे कहने का मतलब ये है कि हर रोज मैं नौकरी पे नहीं आ सकती, पर जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, जैसे कि सेल, फेस्टिवल। ओह वाओ, फ्रीलांसिंग। फ्री फ्री क्या फ्री? फ्री नहीं सेठ जी, फ्रीलांसिंग मतलब समझ लीजिए कि हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी त्योहार में बहुत कस्टमरों की भीड़ हुई, या फिर हमने कोई स्कीम रखी तब कस्टमर्स की भीड़ हुई, या फिर हमें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और काम का बोझ एकदम बढ़ गया, तब तब बावरी जी दुकान में काम करने आएंगे, बराबर ना बावरी जी? हाँ। ऐसा करने से आपके दो फायदे होंगे सेठ जी, एक तो मैनेजर रखना नहीं पड़ेगा, और दूसरा उस मैनेजर के पगार के पैसे भी बच जाएंगे। नहीं नहीं ये तो जोरदार आइडिया है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम बावरी को बुला लेंगे। तो सेठ जी बावरी जी का फ्रीलांसिंग फिक्स 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 फिक्स। तो सेठ जी इस बात पे कुछ मीठा हो जाए? जरूर जरूर नट्टू काका बागा, सबके लिए बढ़िया सी आइसक्रीम लेके आ। ये अच्छा हो गया, पेमेंट भी आ गया और बावरी को नौकरी पे भी नहीं रखना पड़ा। अरे ये मेहता सबको बताना चाहिए, हर बार मैं उनके पास प्रॉब्लम लेके जाता हूँ, इस बार प्रॉब्लम का हल मिल गया है ये खुशखबरी लेके जाता हूँ, वो भी उनकी पसंदीदा आइसक्रीम के साथ।